एसकेपी 7 न्यूज शेखपुरा। कोर्ट परिसर में ससुर दामाद और साले बहनोई के बीच जमकर मारपीट। कोर्ट परिसर के पास स्थित विधिज्ञ संघ भवन के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब ससुर ने अपने ही दामाद और साले ने अपने ही बहनोई को जमकर धुनाई कर दी। हालांकि स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा दोनों पक्षों को मारपीट के दौरान अलग कराकर मामला को शांत कराया गया। इस दौरान पीड़िता मधु कुमारी ने बताया कि उसका मायके बरबीघा थाना क्षेत्र के गोडी गांव है। उसकी शादी 2017 में मुसापुर गांव निवासी शंकर कुमार के साथ हुई थी। इस दौरान उसे एक लड़का भी हुआ जो 3 वर्ष का है। पीड़िता मधु ने आरोप लगाया कि उसके पति शंकर कुमार का अफेयर किसी अन्य लड़की के साथ है, जिसके चलते उसका पति शंकर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता रहता है। पति की प्रताड़ना से आजिज होकर पीड़िता मधु महिला हेल्पलाइन में इंसाफ की गुहार लगाकर अर्जी लगाई थी। महिला हेल्पलाइन में काउंसिलिंग से मामला नहीं सुलझ पाने पर उसका पति शेखपुरा परिवार न्यायालय में तलाक की अर्ज डाल दी थी। कोर्ट में न्यायालय के समक्ष उसका पति शंकर ने पीड़िता को सब कुछ मुहैया कराए जाने की बात कहकर अपना घर पीड़िता का ससुराल ले गया। जब वह 10 दिसंबर को ससुराल गई तो उसका पति घर में पीड़िता को बंद कर जमकर मारपीट किया, जिसके चलते उसके सीने और पेट में दर्द जख्मी हो गया। उसके बच्चे को भी उस दिन रो तब भर दूध पीने के लिए लाकर नहीं दिया गया, बच्चा भी भूखा रहा। किसी तरह पीड़िता सुबह होने पर पीड़िता अपने ससुराल मुसापुर से भागकर मायके गोडी चली आई, अपनी आपबीती माता पिता और भाई को सुनाई। माता पिता और भाई जब इस घटना को लेकर बेटी को कोर्ट में कहने के लिए बुधवार को शेखपुरा आए तो इस दौरान उसके पिता भाई और उसके पति में जमकर मारपीट हो गई। मधु के पिता उपेंद्र ने बताया कि परिवार न्यायालय से कोर्ट से समझौता कराकर उसकी बेटी मधु को अपने साथ उसका दामाद शंकर घर ले गया, लेकिन उसके साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके वजह से वह कोर्ट आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसके दामाद से कहा सुनी होगा ये और उसके साथ मारपीट हो गई। ये कौन लगता है लड़का? दामाद है। दामाद है, कहाँ घर हुआ उसका? मुसापुर। क्या नाम है उसका? शंकर। शंकर, आपका क्या नाम हुआ? उपेंद्र। कहाँ घर हुआ आपका? गोड्डी। गोड्डी हुआ। हाँ। तो कोर्ट से समझौता हुआ था? हाँ, वो हिंजार हिंजार जी। अच्छा अच्छा, फिर मारा है? हाँ, बहुत मारा है। देखे सामने लड़के, देखे कितना मार मारी से, भीतर मार मारी से। देखो बच्चा है, बच्चा है। हाँ, 2017 2017 हाँ। मुसापुर। हाँ, तो ही मारा, रात को भी मारा और सुबह भी गाना संग बढ़ा दिया, उसके बाद मारने लगा। पूरा मारा, इधर सीना में मारा, पेट में मारा, पर सभी बच्चा को रात में दूध नहीं दिया पीने के लिए। और सुबह गला घोट के घर में बंद कर दिया, जब वो लोग नहीं था घर में तब हम बाहर निकले किसी तरह जान बचा कर। कौन मारा? मेरा हस्बैंड मारा। क्या नाम है उसका? शंकर कुमार। कहाँ घर हुआ? मुसापुर। कब शादी हुई थी इसके साथ? 2017 में हुआ था। ये बच्चा कौन है? बच्चा मेरा बेटा है। तो ये मामला कैसे बढ़ा, कैसे कोर्ट तक पहुँचा? कोर्ट तक इसीलिए पहुँचा क्योंकि हमको पसंद नहीं करता किसी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो मामला कहाँ ले गए थे? हेल्पलाइन में आए, हेल्पलाइन में भी बोला, मैम बोले कि लेटर दो लिख करके ले जाना है, तो 7 तारीख को, 7 तारीख भी बोला कि हम ले जाएंगे इसको मारेंगे, तो मैम बोले तुम्हें सबसे ज़्यादा मसला, इसीलिए मैम बोले कि नहीं मधु तुम घर चले जाओ, तुम घर चले गए। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? गुड्डी। गुड्डी।